बहुत पहले एक फार्मर के पास एक डोंकी था। इस डोंकी ने कई साल काम किया इस फार्मर के पास, गेहूं की बोरियां लाद लाद के। उम्र बढ़ते बढ़ते डोंकी की ताकत में कमी हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि अब वो बोरियां नहीं उठा पाएगा, वो फार्म छोड़ के चला गया सुबह सुबह। अब ताकत तो नहीं रही मुझमें, पर मेरी सुरीली आवाज तो है, क्यों ना मैं बर्मन जाके गाने गाके पैसे कमाऊं। रास्ते में उसे सोया हुआ एक हूंड डॉग मिला। ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो भाई? मैं एक हूंड डॉग हूँ, उम्र बड़ी, स्पीड कम हो गई, अब मैं मालिक के साथ शिकार पे नहीं जाता। तो क्यों ना तुम फिर मेरे साथ आओ, मैं बर्मन जा रहा हूँ सिंगर बनने, मेरा बैंड ज्वाइन कर लो तुम। देखो मैं मैंडोलिन बजाऊंगा और तुम ड्रम बजाना। हाउंड डॉग को ये प्लान अच्छा लगा और वो डोंकी के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक घर के छत पे एक बिल्ली बैठी मिली। वो बड़ी उदास लग रही थी। क्या बात है बिल्ली रानी, बहुत दुखी आत्मा लग रही हो, क्या हुआ? अब बूढ़ी हो गई हूँ मैं, अब ना तेजी से दौड़ा जाता है ना दांतों से काटा जाता है। चूहे पकड़ना छोड़ के मैं फायर प्लेस पे आग सेकती रहती हूँ अलसा के, इसलिए मुझे उस आदमी ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हारे साथ? तुम जा कहाँ रहे हो? बर्मन, वहाँ पर एक बैंड बनाएंगे और उसमें गाना गाएंगे। बिल्लियाँ जनरली अच्छी म्यूजिशियन होती हैं, तुम हारमोनिका बजाना बैंड में। ये सुनते ही बिल्ली ने छलांग लगाई और बैंड ज्वाइन कर लिया। इनकी तिगड़ी एक फार्म से गुजर रही थी, उन्हें एक मुर्गा दिखा जो खंबे पे बैठ कर कुकड़ुकू कर रहा था। मुर्गा जी, दोपहर हो गई है, आज सुबह अलार्म लगाना भूल गए थे क्या? कल संडे है, मेरे मालिक ने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है, वो मेरा चिकन तंदूरी बना के खाने वाले हैं। तो यहाँ अटके क्यों हो, भाग क्यों नहीं जाते? मैं जाऊं भी तो कहाँ, आज लास्ट है मेरा, सोचा जी भर के कुकड़ुकू कर लूं। ठीक है, अपनी आवाज खर्च मत करो, हमारे साथ बर्मन चलो, हम एक बैंड बना रहे हैं और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग आवाज पसंद आई हमें। मुर्गे को ये प्लान अच्छा लगा और वो उड़के उनके साथ चलने लगा, आगे आगे बाकी तीन, पीछे पीछे मुर्गा। आज रात हम आजादी से सोएंगे और कल एक नया सवेरा होगा। सोने से पहले मुर्गा उछलते कूदते पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां से कुछ देखा। मुझे यहां से रोशनी नजर आ रही है, लगता है पास में कोई घर है, तो चलो हम वहां चलते हैं, वैसे भी मुझे जंगल में सोने की आदत नहीं है। हाँ, वहाँ शायद एक आध हड्डी मिल जाए खाने को। ये चारों उस लाइट की तरफ चलते गए और आखिर में एक घर मिला उन्हें। सबसे लंबा था डोंकी, तो उसने खिड़की से देखा कि अंदर क्या है। कुछ दिख रहा है क्या? अरे भाइयों, गजब हो गया, यहाँ तो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल दिख रही है। वाह जी वाह, और उस पे ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो चलो, दवा बोलते हैं,
रुको, कुछ और भी है। चार बंदूक वाले डकैत जो मजे से खा पी रहे हैं, आप खाना कैसे खाएंगे? डकैत का नाम सुनके ही सब उदास हो गए। क्यों आना था इनको, मुझे इतनी भूख लग रही थी। चलो वापस जंगल में। यहाँ कुछ नहीं कर सकते, काश हम इन डकैतों को डरा सकते। अच्छा देखो, एक तरीका है भगाने का, अब ध्यान से सुनो। एक के ऊपर एक ये चढ़ गए चारों। और अचानक से चारों साथ में गाने लगे। ऐसी डरावनी आवाज बनी कि उसे सुनते ही डकैतों के तोते ही उड़ गए। चारों ने मिलके खिड़की तोड़ी और डोंकी कूदा अंदर धड़ाम से। भागो रे, जान ले लेके बचाओ। अपनी बंदूक वहीं छोड़ छाड़ के डकैत भागे जान बचा के, और ये चार यार बड़े खुश हुए। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। अब टेबल पे जो खाना था उस पर ये चारों टूट पड़े। खाना खाके सब लोग सोने गए, थके हारे थे बेचारे। सब लाइट्स बंद करके सो गए। आधी रात हो चुकी थी। डकैतों ने देखा कि घर में लाइट नहीं है। उन्होंने अपने लंबू को भेजा घर के अंदर देखने। अंदर गया तो बिल्कुल अंधेरा था और उसे रोशनी चाहिए थी। उसने माचिस जलाई और बिल्ली उस पर कूदी। उसे खरोचा और हाउंड डॉग ने उसके पैर पे काटा। शोर से घबराकर मुर्गा उठा और जोर जोर से कुकड़ुकू करने लगा। जैसे ही डकैत भागने लगा, बाहर खड़े डोंकी ने उसे जोर की लात मारी। डरा और घबराया हुआ डकैत अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे उस घर में चार राक्षस हैं, उन्होंने मुझ पे हमला किया। डकैत सारे दुम दबा के भागे वहां से और दोबारा कभी वहां आने की बात नहीं सोची। हमारे चार ब्रह्मन म्यूजिशियंस को ये घर बिल्कुल घर सा अपना लगा, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मन जाना ही क्यों, क्यों ना सब मिलके यही रहे। ये चारों पूरी जिंदगी यही रहे, गाते बजाते हुए।